करके चल क्या रहा है पंजाब में, ये देख लो, धुआंधार, टोटल धुआंधार। अगर कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर्स हो रही है ना, फॉरेस्ट फायर्स, तो यहाँ पे इंटेंशनल ये चीज़ें हो रही हैं, देख लो। कहर ढाया हुआ कहर, बट फिर से कहूँगा मजबूरी दोनों साइड की, हमारे किसान भाई भी पूरी मेहनत करके करते हैं, फिर अगली खेती का टाइम आता है गाइस, तो ये करना पड़ता है। नमस्ते जी, क्या हालचाल है? तो टुडे राइट डे, राइट टू हरिके पतन, बर्ड सेंचुरी गुरुद्वारा है, और मेनली वो संगम है देवप्रयाग में, तो आपने संगम देखा ही होगा, बट ये जो संगम है सतलुज और ब्यास नदी दोनों आके एक पॉइंट पे मिलते हैं, और ये जो है ना काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था मुझे भी कि आप लोगों को एक नज़ारा दूँ प्रॉपर पंजाब का। हिडन सी लोकेशन है, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है क्या है, कहाँ है, कैसे है, कुछ है भी है ऐसा पंजाब में, तो ज़रूर से इस चैनल के माध्यम से आपको पता लग के रहेगा इस बार, तो एक्सपीरियंस के लिए कंटिन्यूड रहें। राइट नाउ जलंधर से राइड स्टार्ट हुई है और हम जा रहे हैं कपूरथला की तरफ से, कपूरथला से जाके और फिर आगे आगे लोहिया खा, सुल्तानपुर लोडी, जैसे जैसे पहुंचते हैं वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे, और जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड मज़ा आएगा आपको, इतनी गारंटी है। बाकी गाइस छोटा सा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और छोटा हल्का सा कमेंट भी कर देना, तो इससे क्या होता है ना गाइस, हमारी मेहनत सफल हो जाती है अगर कुछ भी आप चीज़ों में से कर देते हो ना, तो क्योंकि पीछे से रेंडरिंग बहुत, एडिटिंग करो, फिर इक्विपमेंट और क्रिएटिविटी, वीडियो शॉट्स, एफर्ट्स काफ़ी हैं, बिहाइंड द सीन्स भी आपको कभी दिखाएंगे, बट वो किसी और ब्लॉग के लिए। ऑलराइट लेट्स गो। कपूरथला से एग्जिट करते हुए सुल्तानपुर लोडी 23 किलोमीटर्स। यहाँ पे ना थोड़ा दिक्कत यही है, लोग इधर कचर पचर चलाते हैं, थोड़ा सेंस कम है, तो दिक्कत होती है ऐसे ना मेंटेन करने में स्पीड, और कुछ भी स्पीड की बात भी नहीं, कहीं भी कहीं से भी कोई आ जाएगा तो बस देख देख के चला रहे हैं आराम से। गाइस रेल कोच फैक्ट्री, यहाँ से रेल कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है प्रॉपर, और यहीं से रेलवे के कोचेस बन के तैयार होके फिर यहाँ से जाते हैं, और काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है। छोटे होते हमें स्कूल वालों ने इधर का ट्रिप भी करवा रखा था, तो हमने एक्चुअल में देखा हुआ कैसे कोचेस बनते हैं, ऑलरेडी है ट्रेन एंथूजियस्ट, तो जो ट्रेन में दिख सकता है और ट्रेन में जो एक्सपीरियंस है इट इज अनमैचेबल। रेल कोच फैक्ट्री का अगला गेट आ गया, वो देखो ऊपर छोटा सा कोच बना हुआ है, बोर्ड के साइन बोर्ड है ना उसका, वो कोच ही है तो प्यारा सा कोच बना के रखा हुआ है। चुक 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 मालगाड़ी, नाइस नाइस। मर्सिडीज ट्रैक्टर जगह बनाओ। सुबह
कानपुर लोटी की तरफ चलते हुए थोड़ा हाईवे ब्रेक लेते हुए, यहाँ के हाईवे थोड़ा ऐसे ही हैं तो नेशनल हाईवे जैसा नहीं है, लोगों का थोड़ा चलाने का तरीका भी वो आपको ब्लॉग में दिख जाएगा। बाकी चलते फिरते हैं, मैंने कहा कि आपको क्रिएटिव शॉट दे दिया जाए। चलो लेट्स गो लेट्स गो। मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, थोड़ा पोल्यूशन है, थोड़ी मिट्टी है, बट नज़ारे ऑन पॉइंट। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रेवल इन साइड पंजाब, दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक। सो ऐसी सड़कों से गुजरना ही पड़ेगा, थोड़ा ट्रैफिक, मगजमारी, पोल्यूशन, मिट्टी, लोगों की ट्रैफिक सेंस, इन सबको अगर थोड़ा सा साइड कर दे तो, और जहाँ ध्यान देना है, ये जो एंडलेस ग्रीन्स हैं, एंडलेस ग्रीन्स, वहाँ पे अगर ध्यान दे, ओहो, वहाँ पे आगे लगता है कि इट्स ऑल वर्थ इट। ये ऐसा हाईवे है जहाँ पे बीच में 20 की स्पीड लिमिट आई हुई है, तो इस टाइम जो ये चल रहा है पैच, इसकी स्पीड लिमिट 20 है, और आप खुद हिसाब लगा लो क्यों है। ये देखो पराली चल रही है पूरी की पूरी, पूरे खेत जला दिए हैं बोले ना, तो यही चक्कर है जो पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद, गुड़गांव, पूरा नॉर्थ रीजन है ना, तो ये इस चीज़ से बहुत अफेक्टेड है। पोल्यूशन लेवल्स कुछ ज़्यादा ही हो रखा है, देख रहे हो अगर गोप्रो में, पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं, बट हवा में ना बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है, क्योंकि आपको मैंने पीछे दिखाया पराली जल रही थी, हर चीज़ हो रही है और ये होते आ रही है, तो सर्दियों का मौसम है, कंडेंस होके वहीं रह जाता है धुआं, धूप बेचारी निकल ही नहीं पा रही, नहीं तो कोई क्लाउडी डे नहीं है ये गाइस, इट्स नॉट अ क्लाउडी डे, इट्स जस्ट अ पोल्यूटेड डे। गेट आ गया, गेट आ गया, आई थिंक इट्स सुल्तानपुर लोडी गेट, लेट्स सी लेट्स सी। बेचारा पोल्यूशन इतना है ना, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, गुआ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सुल्तानपुर लोडी, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और पोल्यूशन भी, बट लुक एट द ब्यूटी, वाओ। लोडी, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और पोल्यूशन भी, बट लुक एट द ब्यूटी, वाओ। ओह नो नो, सिंगल लेन की भी हुई, सिंगल लेन हो चुकी है। चल क्या रहा है पंजाब में ये देख लो, धुआंधार, टोटल धुआंधार। अगर कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर्स हो रही है ना, फॉरेस्ट फायर्स, तो यहाँ पे इंटेंशनल ये चीज़ें हो रही हैं, देख लो। मजबूरी दोनों साइड के गाइस,
no one to blame, but this is the reality. रियलिटी का बस एक मिरर सामने रखना चाहता हूँ. इस चीज़ पे कमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा. आप लोगों को क्या लगता है इस चीज़ पे, आप ज़रूर कमेंट करना. मेरा काम आपको दिखाना और दर्शाना. लेट्स कीप गोइंग, लेट्स कीप गोइंग. तो देख लो आप ब्लॉगिंग के लिए और राइडिंग के लिए यहाँ जगह है. ये देखो यहाँ पे वो देखो तो क्या क्या अंदर सहना झेलना पड़ता है. बट गेट ऑफ द जर्नी सुल्तानपुर लोडी. बाय बाय. चेक करो गाइस. वाह, एक तरफ रेलवे ट्रैक, एक तरफ खेत, बीच में हमारी सड़क और जाते जा रहे यही हाईवे है. इसको वो मत समझ लेना, हल्के में मत लेना इनको. यही हाईवे है और यही बसें ट्रक सब कुछ यही जा रहे हैं. तो थोड़ा रिस्की हो जाता है गाइस, क्योंकि हिसाब लगा लो अभी तो डे लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा. तो रात को जब हाई बीम्स और ओवरटेक्स करने हो ना तो थोड़ा सिस्टम हैंग हो जाता है. आपको इंटरनल पंजाब व्यूज़ दे रहा हूँ मैं, इंटरनल पंजाब व्यूज़. आप देख ही लो यहाँ पे कितने ही लोग हैं. वो छोटा सा पिंड आ गया. ओहो कांड. मैं आपको बता रहा था ना ये रिस्की है, ये हाईवे, ये हाईवे ही है. तो देख लिया आपने रिस्की का प्रणाम. पूरा धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी, इतनी मिट्टी बस आँखों ने खा ली है सारी की सारी मिट्टी. थोड़ी नाक ने खा ली है, थोड़ी आँखों में चलेगी है. सरदार जी हाय बोलो, हाय बोलो. ओके मेरे. देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे. ओ गाइस अब देखो जरा, अचानक से ही नजर पड़ी. ये देखो सीन खत्म ही है. आपको एक बार ही आगे से ऐसे घुमा के फिर लेके आता हूँ, फिर यहीं पे आता हूँ. आगे का कुछ नजर आना बंद हो गया. ओहो 23 किलोमीटर. ये देखो ये देखो. ओहो मैं आपके लिए व्लॉगिंग करते हुए, राइड करते हुए आंखों में गड्ढे बन गए मिट्टी के, इतनी मिट्टी पॉल्यूशन. और कुछ ज़्यादा था इस बार ना, बहुत ज़्यादा. तो अब समझ आ रहा है क्या चक्कर है ना. तो खुद ही देख लो गाइस, कहर ढाया हुआ कहर. बट गाइस आप मानोगे नहीं क्या हुआ. जस्ट पीछे एक ट्रैक्टर पीछे था, तो जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था ना उस चीज़ की खड़े होकर वीडियो बना रहा था मैं कि पराली कितनी गंदी और बुरी तरह चल रही है. तो वहाँ का जो लैंड ओनर है ना वो आ गया ट्रैक्टर लेकर. तो उसने मेरे सामने, मैंने आईफोन से भी बनाई थी, तो उसने मेरे सामने से सामने वीडियो डील करवा दी. तो बट मैंने उसको बताया भी, अपने किसान भाई है ना भाई, तो बिल्कुल उसने कहा थैंक यू, कोई बात नहीं, एकदम स्माइल करके किया, कोई सीन नहीं. ना मैं उसको गोप्रो में डाल भी सकता हूँ उनके फुटेज को, बट हाँ थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि हाँ. लोकेशन नहीं दिखाई मैंने बट हाँ. तो आप खुद ही देख लो, धरती धुएँ छोड़ रही है, ज्वालामुखी बनी हुई है, खुद हिसाब लगा लो आप. ये देखो तो उधर वो किसान भाई ने थोड़ा वीडियो डिलीट करवा दी, वो जो मैंने आईफोन से बनाई थी. अब उनको नहीं पता शायद कि मैंने गोप्रो में भी बनाई है. तो आप खुद हिसाब लगा लो पंजाब की कैसी कंडीशन हो रखी है ना. तो इस टाइम पे होता है ये, और उनके लिए थोड़ा मैं मानता हूँ दिक्कत है. मैंने उनको बताया, साफ साफ बताया, जो आपको बताया मैं बता रहा हूँ साफ. उधर मैंने वही चीज़ बताई कि किसान भाइयों की बहुत मजबूरी है, इसको लेके जाना, डीजल फूकना, ट्रैक्टर की तो बंदोबस्त करना, मुनाफा वैसे नहीं है गाइस, और फिर वहाँ जाके डीकम्पोज करना, और कितने चक्कर लगेंगे खुद हिसाब लगा लो. एक खेत, छोटा सा खेत क्लियर करने के लिए भी कितने ही चक्कर लगेंगे.
ये जो सड़क है ना गाइस, फिरोजपुर जाती है, और फिरोजपुर अगर लोगों को नहीं पता तो पाकिस्तान के काफ़ी पास पड़ता है, तो काइंड ऑफ यू कैन से वेस्ट साइड ऑफ पंजाब। तो बहुत ही, वैसे तो अब जो हाईवे जो चल रहा है ना, बहुत ही प्यारा है, टोटल ग्रीन्स, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये देखो, थैंक्स विजिट अगेन। फिरोजपुर वैसे बचा अभी 68 किलोमीटर, जो कि हम वहाँ नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं हरीके पतन, पतन मीन्स वेटलैंड्स। तो सतलुज के दर्शन करवा दूँ, आपको पता रहेगा कौन कौन सी रिवर्स कहाँ कहाँ से आ रही हैं। ये चेक करो, वो रही, बहुत ही प्यारी और बहुत बड़ी नदी है। इसी के चक्कर में तो पंजाब चल रहे हैं, पंजाब है ही नदियों का। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। हम जा रहे हैं मक्खों की तरफ, जो कि है 13 किलोमीटर। अरे हमारी जर्नी का पहला टोल आई है, मामा जी हैं, टोल ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और कहीं भी एफर्ट्स दिख रहे हो, मेहनत झलक रही हो, छोटा सा लाइक, हल्का सा कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। वन मोर इंस्टेंस ऑफ स्टबल बर्निंग, फिर से धुआंधार होता हुआ पंजाब। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो वैसे भी जो पंजाब में भी रहते हैं, बहुत ही बुरा हाल हो गया। ओहो, ओहो, ये देखो यार, तो उधर की दोनों साइड है, एक साइड नहीं, दोनों। ओहो, अब आपको मैं कितने इंस्टेंसेस दिखाऊं, वीडियो छोटी पड़ जाएगी, बट इंस्टेंसेस ख़त्म नहीं हो रहे। डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, और आपने रिसर्च स्टडीज़ में अगर न्यूज़ में अगर कहीं देखा भी हो तो आपको पता ही होगा शायद, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही हो रही है गाइस। ये मेरे ख्याल से 5वां या 6वां इंस्टेंस है कि दोबारा से, ये देखो यहाँ जल चुकी है और यहाँ जल रही है, ये देखो। ओहो, राइडिंग के चक्कर और ये ब्लॉगिंग के चक्कर में हम धुआंधार हो गए, पर ज़्यादा दुख मुझे का इस कुदरत का है, हमारे लंग्स फिर से थोड़ी ताज़ी हवा खा के ठीक भी हो जाएंगे। कुदरत कितनी देर तक ही रिसाइकल करेगी, तो कितनी देर तक झेल पाएगी, दैट वी नीड टू थिंक। इज़ द ह्यूमन सो सेल्फिश और इज़ द ह्यूमन नीड सो हाई, वी डोंट नो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पंजाब। माय, ये रही ब्यास नदी, थोड़ा कवर नहीं कर पाया, आते हुए आपको कवर दिखाएंगे प्रॉपर। ये देखो, यहाँ पे दोनों नदियां आके यहाँ पे मिलती हैं। वेलकम बैक अगेन, पहुंच चुके हैं हरीके पतन, और जस्ट उनकी ये एंट्री रोड समझ लो, तो साइड में हमारा एकदम पानी है, क्योंकि आपको पता है इस साइड है, तो वो रहा गुरुद्वारा। ये देखो गाइस, आपको खड़े होकर व्यू देता हूँ पूरा, अगर आप ले सकते हो तो। अब बैठ जाते हैं, कोई पता लगे ठुक जाए पीछे से हम। बहुत
हरी के बैराज। ब्रिज के शॉट्स लेते हुए पुलिस वालों ने हमें भगा दिया कह रहे यहाँ रुकना नहीं है तो नहीं, बट हमारे शॉट्स आ गए हैं तो अब हम एक्चुअल लोकेशन पे पहुँच रहे हैं बस। तो लेट्स गो गाइस, द व्यूज, द मैजेस्टिक व्यूज। इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स के लिए, बर्ड्स अराउंड अस कौन कौन सी आ रही है, ब्लैक काइट, हाउस क्रो, हाउस स्पैरो, बर्ड्स अराउंड अस, नाइस मैन, नाइस। वेलकम टू 4th पंजाब बर्ड फेस्ट। पहुंच गए हरी के पतन। पंजाब के वेटलैंड्स, तो यही है वो जगह जहाँ आपको 70-80 किलोमीटर पार कर लिया। जलंधर से पहुँच चुके हैं हम फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट और ये है हरीके। तो बर्ड सेंचुरी यही है आपकी, माइग्रेटरी बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कैमरे में जस्टिस नहीं होगा, वहाँ दूर पेड़ पे मतलब कम से कम नहीं तो 50 बर्ड्स ना डेरा लगा के बैठे हुए हैं। सर जितना टाइम बताओगे उतना बढ़िया रहेगा। लेट्स गो। हमारा पहला बंदर दिखते हुए कह रहा क्या कर रहे हो यहाँ पे मेरी जगह पे। गाइस यहाँ से चालू होती है जंगल ट्रेल, तो देखते हैं कहाँ तक जाती है कहाँ तक नहीं। साइड में हमारे वेटलैंड्स और यहाँ पे प्रॉपर जंगल ट्रेल, लेट्स गो। और ये सूरज हुआ मध्यम। ये बंदर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा अभी भी, जंगल में हुआ अटैक होने का डर है। प्यारा है ये, फिर सेरेनिक ब्यूटी हरीके की व्यू पॉइंट्स। ओहो, बच के बाबा बच के, ये पूरी स्कूल ट्रिप हुई है हरीके पे ना, तो ये सब गुरुद्वारे से आ रहे हैं। क्या हाल है छोटू? ये देखो गाइस,